हाँ आपका नाम स्पीकर हाँ हाँ पूरा आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, माइक एकदम वहाँ पे आपके पास, कोई टेंशन नहीं। हम लोग जो है सुल्तानपुर जिले से, कादीपुर तहसील, ग्राम सभा रानीपुर कायस से यहाँ प्रयागराज में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। ये हमारी माता जी साथ में 60 ईयर ओल्ड, तो हम इनको स्नान कराने के लिए गंगा जी में यहाँ पे संगम में पहली बार इनको लेकर के आए हैं। यहाँ आने के पर पहले तो हम लोग उधर से देखे, पता किए कि संगम घाट किधर है, उसके बाद इधर आए, फिर पुल पार करके, नदी पार करके इस पार आए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, और ऐसा हमारे साधु संतों को द्वारा, ऋषियों को द्वारा बताया गया है कि यहाँ स्नान करने से जीवन सार्थक हो जाता है एक व्यक्ति का, और बहुत सारे पाप जो हैं वो कट जाते हैं, धुल जाते हैं। ये सही बात है कि झूठ बात है? सही बात नहीं, एक हिंदू होने के नाते जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज बताते हुए चले आ रहे, वो सारी चीजें सही है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी तो धर्म अलग अलग बट गए जी, लेकिन DNA आप ही का है, ऐसा तो सरकारें और लोग कहते हैं। जी 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 नहीं, तो आप कितने साल से आ रही माता जी? आप शुरू से आ रही? नहीं, अब हम पहली बार आए। पहली बार? अरे वो कोई नहीं, आप कहाँ पे हैं? सुल्तानपुर जिले से। तो वहाँ गंगा जी हैं कि नहीं? वहाँ गोमती है। वो भी तो चलिए नदी, तो नदी माँ, जी 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 जी, धरती माँ, जी जी जी, और आकाश पिता। गोमती को हम लोग आदि गंगा के नाम से जानते हैं। हाँ। जी, तो ये पहली बार आप आए? ये हम लोग पहली बार, नहीं हम तो तीसरी बार आए हैं, माता जी पहली बार निवा के आए हैं माता जी। जी, तो कुंभ में भी आप लोग आए थे? नहीं, कुंभ में हम लोग नहीं आए थे। और बाकी यहाँ की कोई व्यवस्था? बाकी माघ मेले में आते हैं, यहाँ की व्यवस्था है। जब से आए तब से मेले पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जी। ये बहुत अच्छी बात, ये नहीं, इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं होती थी पहले। नहीं, मैंने पहले कल्पवास केवल यही होता है। हाँ, कल्पवास केवल यही होता है। यहाँ पर गंगा के किनारे कल्प वृक्ष पहले होते थे। अच्छा, कल्प वृक्ष होते थे। हाँ। और उसी के नीचे जो है साधु संत लोग रहते थे, यहाँ स्नान करते थे। और ऐसा कि गंगा जी तो हर जगह है, लेकिन यह जो है तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तीर्थों के राजा प्रयागराज को ही कहा जाता है। हाँ। इसलिए यहाँ पे इसको त्रिवेणी के नाम से भी बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मतलब नदियाँ? नहीं, तीन वेणी का संगम। जी 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 जी, इसलिए त्रिवेणी बोला गया इसको। और यहाँ पे स्नान करने, यहाँ पहले कल्प वृक्ष होता था, अब नहीं है, लेकिन लोग फिर भी इस प्लेस को ही लेकर के जो है, जी जी, तो ये सुकून मिलता है। ये सारी चीजें सुन करके बहुत अच्छी लगती हैं, और फॉलो करके तो और भी अच्छा लगता है। ये लगता है कि वास्तव में जीवन सार्थक हो गया। हाँ। जी, यहाँ तो बहुत ठंड है, कितनी डिग्री सेल्सियस? मुझे लग रहा है कि हवा चल रही है तो कम से कम 4 नहीं है, लेकिन आई थिंक 12 या 15 डिग्री तक। अरे उससे नीचे भी होगा, उससे नीचे होगा, 10 उनके आसपास होगा। हाँ, सुना कुछ दिन पहले 9 या 5 हो गया था। हाँ, 5-7 हो गया था यहाँ पे। कोई नहाने के लिए आए हैं, कुछ जरा भी ठंड महसूस नहीं हो रही है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। उमंग जो, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, भगवान की कृपा है कि क्या है, जो भी चीज़ मान लिया जाए, पर हम लोग ईश्वर की कृपा ही मानते हैं इसको। जी, जब आप किसी अच्छे पर्पज के साथ कोई काम करना चाहते हैं, मतलब जाते हैं शुभ कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, तो उसमें आपको ना ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी, केवल आपको अपना टारगेट दिखाई देगा। मतलब आपका ध्यान केवल लक्ष्य की ओर होता है, और आपका लक्ष्य जी 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 स्नान करना, और रात्रि में घूम टहल के, अब पहले पहुंच गए हैं तो घूम टहल के जो है देख रहे हैं कि क्या कैसे। जल्दी आ गए हैं तो क्या मतलब इसका लग रहा है क्या, और लेट में आना चाहिए कहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम घूमने का, टहलने का, देखने का समय मिल जाएगा एक्स्ट्रा। जो पूरी रात घूमेंगे अभी तो एक बज रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उधर जाएंगे। उस पर सोने होने की व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं, व्यवस्था है, लेकिन सोने का मन नहीं कर रहा है, व्यवस्था है। पहली बार आए हैं तो मतलब पुण्य कमा लिया। जी 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 जी, दूर दृष्टि से पूरे दूर माता जी को पहली बार लाए हैं, तो इनको अच्छा लग रहा है घूमने में, तो हम बोले कि चलिए घुमा देते हैं। सोने होने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था नहीं। गंगा तो जल है, लेकिन ये हम लोगों के लिए अमृत के समान है, सभी के लिए अमृत के समान है। लोगों का पालन जी जी जी, इसीलिए माँ नहीं है, सब सभी जल से हट करके गंगा जल होता है, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। अमृत, इसलिए अमृत इसको बोला जाता है, संजीवनी जैसे कार्य करते। जी जी जी, क्योंकि अंतिम समय भी कहा गया है
तुलसी दल हाँ जी, मतलब जब हम अपना प्राण त्याग रहे हैं जी, जी, बहुत तबीयत भी खराब हो जाती है तो शायद तबीयत जी गंगा जल तुलसी दल। धन्यवाद आपका, कितना आप